लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कहीं कहीं नगर से 100 में से 1000 नगर सेवक खुद को नगर सेवक का मुखौटा डाल के अंदर से गुंडागर्दी करने की भाषा करते, अधिकारी को कुछ न कुछ उस पर दबाव डालने का बात करता है। ऐसे नगर सेवक कौन है, उनको ढूंढो। वो माँ बहन के ऊपर गाली देते अधिकारी को, जो अच्छे अधिकारी है उनको संरक्षण देना आयुक्त का काम है। आयुक्त से नहीं होगा तो हमें बोल दो, हम लोग भी रास्ते में उतरेंगे ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन करने की, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी हम लोग होने नहीं देंगे। मैंने MIDC के रीजनल ऑफिसर के कार्यालय में भी कहा है कि आपके ऑफिस के करीब करीब में दलाल लोगों का यहाँ पे इन्हें मूवमेंट इनकी चालू है दलाल लोगों, और ये दलाल लोगों के साथ आपके एक अधिकारी वर्ग से कई लोग उनके हाथ में हाथ डालते हुए स्मशान भूमि का भूखंड हो, नाले का भूखंड हो, सर्विस रोड को आगे चल के तकलीफ होने वाले ऐसे जगह पे भूखंड निकाल रहे हैं। ये बहुत दुखदायक बात है। जिन लोगों को इस शहर से कोई लेना देना नहीं है ऐसे लोगों के हाथ में कारोबार चला गया है, और वो इस शहर की पूरी वाट लगाने की उन्होंने सोचा है। जैसे कि नगर विकास मंत्रालय के अंतर्गत जैसे महासभा ने DP प्लान पास किया, उसमें सड़कों के जो भूखंड है उसमें से बहुत सारे भूखंड गार्डन के लिए, स्कूल के लिए, वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए और ऐसे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए वहाँ पे रिजर्व रखने का उन्होंने इरादा किया। ऐसे सभी जो इरादे किए हुए जो ठहराव है वो ठहराव बाजू में रख के इन्होंने नया फतवा निकाला है जो सिड़कों को चाहे वो भूखंड बेचने का। अभी ये बात निशान भगत कोर्ट में गया है। माननीय आयुक्त महोदय को हमने बोला कि आप प्रशासक के तौर पे आपकी एक भूमिका है, लेकिन वो भूमिका ऐसी है कि महासभा और स्टैंडिंग की जो जिम्मेदारी आप पर है इस शहर के हिफाजत के लिए जो चीज़ जरूरत की है वो कोर्ट ने मांगा तो एफिडेविट में आपको वो देना पड़ेगा, वरना बात ऐसी कि यहाँ से कोर्ट तो 99% जनता के हित में निर्णय दे देगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो रास्ते पे हम लोग उतरेंगे। और जो लोग इस शहर की बर्बादी पे तुले हुए हैं उनका नकाब फाड़ के उनका चेहरा जनता के सामने हम लाने वाले हैं। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, इनके पास मेरी मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में ब्रिटिश कालीन जो उधर का दीघा का तालाब है वो महापालिका को शर्तों पे टर्म्स एंड कंडीशन पे रख के महापालिका के कब्जे में दे दो। वहाँ का जो बहुत बड़ी मिट्टी उसमें गिरी है वो निकाल के पानी भी वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हो सकता है, लोग वहाँ पे अपने बाल बच्चों के साथ में घूमने को शाम को जा सकते। वो बात मैंने आयुक्त को याद दिलाई है और उनको उस मैटर में परस्यू करने के लिए बोला है। जरूरत पड़े तो वापस हम लोग रेल मंत्री जी से हम बात करने वाले हैं।